द अल्टीमेट वर्ल्ड में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, इसराइल भी कूद चुका है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच। अब कैसे कूदा है ये मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों से ही बातचीत करने वाले हैं। अब दोनों की बातचीत का क्या रिजल्ट निकलता है ये तो हम आपको बताएंगे आगे। पर दोस्तों, इसकी अहमियत आप समझिए। भारत के प्रधानमंत्री जब दोनों ही देशों के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं तो एक इंडिया का स्टैचर पता लगता है कि इंडिया ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कितनी अहमियत रखता है। इंडिया को लोग, जो दुनिया के जितने भी देश हैं, वो कितना सम्मान करते हैं, इंडिया की बात वर्ल्ड लेवल पे सुनी जाती है। आपने और कोई देश को नहीं देखा होगा ज़्यादातर, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इंडिया के आसपास के देश है, कि वो दोनों ही प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, पीस टॉक्स कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया ने अपील भी किया था व्लादिमीर पुतिन से कि सीज़ फायर होना चाहिए ताकि इंडियन स्टूडेंट्स निकल पाए, तो सीज़ फायर भी हुआ। रूस आज फिर कई शहरों में सीज़ फायर करने वाला है ताकि इंडियन स्टूडेंट वहाँ से निकल पाए। तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा महत्व सामने आ रहा है। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की बात सुनी जाती है, अहमियत देते हैं लोग। अब जो इसराइल की बात मैंने किया, तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेनेट, वो बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बात किया, अब वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी बात करने वाले हैं। दोनों में जो समझौता है उसकी बात कराने वाले हैं। अब इसराइल क्यों कराना चाहता है? इसराइल तो अमेरिका का बहुत ख़ास है, पर दोस्तों इसराइल रशिया का भी बहुत ख़ास है। बहुत कम लोगों को पता है कि इसराइल रशिया का भी बहुत ख़ास है। इसका एक स्ट्रैटेजिक महत्व है। अमेरिका के साथ तो उसकी डील होती ही रहती है, इसराइल अमेरिका के बहुत क्लोज है, ये सभी को पता है। पर रशिया के साथ भी बिगाड़ नहीं सकता है इसराइल, क्योंकि जो सीरिया में जंग चल रही है, सीरिया में जो ऑपरेशन चलता है इसराइल का, उसमें रशिया बहुत मदद करता है और रशिया की बहुत ज़रूरत भी है इसराइल को। जो इसराइल के आसपास जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको संभालने के लिए भी रशिया की बहुत ज़रूरत है इसराइल को। ईरान के साथ जो ईरान का न्यूक्लियर डील ख़त्म करना है उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी रशिया की। तो इसराइल तो रशिया को छोड़ ही नहीं सकता। वहाँ पे यूक्रेन को भी इसराइल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी उसके काफ़ी टाइज है। करीब 2 लाख से ज़्यादा जूश लोग भी यूक्रेन में रहते हैं, और जो कि यूक्रेन का सपोर्ट पूरा यूरोप और अमेरिका कर रहा है, तो इसराइल को भी करना पड़ेगा। पर इसराइल रूस का साथ भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसराइल को न्यूट्रल रह के दोनों से बात करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया भी किसी का समर्थन खुल के नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया के साथ भी अच्छे टाइज है हमारे, अमेरिका के साथ भी अच्छे टाइज है, दोनों को ही हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी इसराइल की भी है। इसराइल रूस को भी नहीं छोड़ सकता है, अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकता है। तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मध्यस्थ करने गए हैं दोनों के बीच। पर दोस्तों, ये देखना पड़ेगा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेनेट, उनको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है वहाँ, और वो 8 अलग अलग पार्टी से मिलके उनकी गवर्नमेंट बनी है इसराइल में, और उनके प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। तो इनकी जो लोकप्रियता है वो भी बहुत कम है इसराइल में। बेनेट की जो लोकप्रियता है वो बहुत कम है इसराइल में, जैसे कि उनके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, उनकी जितनी पॉपुलैरिटी थी, जितनी फैन फॉलोइंग थी इसराइल में, बेनेट की उतनी नहीं है। जितने भी पार्टीज है इसराइल के, उन्होंने मिल के गवर्नमेंट बना ली है, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, पर उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं है। अब अगर वो मध्यस्थ करा पाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे बात कर पाते हैं रूस और इनसे, यूक्रेन से, और कुछ हल निकाल पाते हैं, तो शायद उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो जाए। वर्ल्ड लेवल पे इनको अभी तक किसी ने देखा नहीं है, जो बेनेट है उनको किसी ने देखा नहीं, उनका वर्ल्ड लेवल पे टेस्ट हुआ नहीं है, और वो नेतन्याहू के जैसे कैरिज्मेटिक भी नहीं माने जाते हैं। पर देखते हैं, अभी बात करेंगे तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है, इसराइल में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है कि नहीं, और इसराइल का एट लास्ट स्टैंड क्या होता है। तो दोस्तों, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।